हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मा गर्म हॉट डॉग, जो हम इसको इजीली घर में बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटा। तो चलिए बनाते हैं हॉट डॉग। तो तेल हमारा गर्म हो गया, हमने इसमें बारीक कटा हुआ 2 प्याज डाल दिया है। गैस की आंच को आप मीडियम ही रखें, ऐसे चलाते हुए हमने ज़्यादा ब्राउन प्याज को नहीं करना। इसमें हमने डाल दिया 1 चम्मच छोटी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च 2 कटी हुई बारीक, ऐसे चलाते हुए। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई गाजर 2 मिनट चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, ये इसमें बहुत ज़रूरी है गाइस। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये पत्ता गोभी, ये हमने बारीक काट रखा था। 2 मिनट चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, करीब 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसको हम मिक्स करेंगे। 2 मिनट चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2-3 उबले हुए आलू, हमने आलू को मैश कर लिया था, इसको भी अब हम इसमें मिक्स करेंगे, ऐसे चलाते हुए। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ये देखिए 2-3 मिनट के बाद स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इधर हमने 2 पीस हॉट डॉग लिए हैं। अब हम इसको चाकू से ऐसे बीच में से कट लगाएंगे। गाइस, कट आप बीच में से ही लगाइए, ऐसे हमने कट लगा दिया है दोनों में। ये देखिए बढ़िया से हमने कट इसमें लगा दिया है। अब हम इसमें लगाएंगे ये ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच, हम इसमें ग्रीन चिली सॉस लगाएंगे। 1 चम्मच हम लगाएंगे ये टमाटो सॉस। बढ़िया से ये देखिए हमने अंदर तक लगा दिया है। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे, ऐसे बढ़िया से हमने स्टफिंग इसमें। अब हम 2 पीस इसमें पनीर का ऐसे रख देंगे। ये देखिए हॉट डॉग हमारा बनकर तैयार है। अब हम दूसरा पीस ऐसे ही तैयार करेंगे। ये देखिए 2 पीस हमारे हॉट डॉग बनकर तैयार हैं। अब हम इसको तवे पर शैलो फ्राई करेंगे। हमने तवे पर 2-3 चम्मच बटर डाल दिया है।
बटर हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें हॉट डॉग रखकर इसको शैलो फ्राई करेंगे। गैस की आंच को आप मीडियम ही रखें। ऐसे हम इसको पलट देंगे कि ये चारों तरफ से बढ़िया से पक जाए। ऐसे धीरे धीरे प्रेस करते हुए हम इसको ऐसे पकाएंगे। साइड से भी हम इसको ऐसे पका लेंगे। ये देखिए गाइस, हमारे हॉट डॉग शैलो फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये बनाने में बहुत ही इजीली बन जाता है गाइस, और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद होता है। आप इसको घर में बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर मेयोनीज डाल देंगे गाइस। मेयोनीज का जो स्वाद है इसमें बहुत ही अच्छा आता है, आप इसको ज़रूर डालें। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे टमाटो सॉस। आप चाहें तो इसके ऊपर चिली सॉस भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारा गर्मा गर्म हॉट डॉग बनकर तैयार है। ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। आप इसको घर में बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा सामान नहीं लगता है गाइस, आप मार्केट से हॉट डॉग लाकर घर में बना सकते हैं। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। इजी और टेस्टी रेसिपी के लिए गाइस मेरी वीडियो को देखते रहें, और फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।